अब देखिए आपको इसके लिए क्या चाहिए, ये जो है वर्धमान की स्माइली करके कॉटन का थ्रेड आता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ 100% कॉटन है ये, और इसमें जो है कोई एक्रेलिक या कुछ मिला हुआ नहीं है। ये आपकी बॉल जो है इसमें 75 ग्राम्स की बॉल आती है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, आप ऑनलाइन जाके देखेंगे तो वहाँ पे इसे आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी है, बहुत सिल्की, बेसिकली इसका जो टेक्सचर है बहुत सुंदर है। आप ये देखेंगे मल्टी कलर में है स्माइली करके। अब इससे मैं क्या बनाऊंगी, आप चाहे तो इसे क्रोशेट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोशिया का बना सकते हैं, या आप मेरी तरह, मैं ज़्यादातर क्रोशेट नहीं करती हूँ और निटिंग यूज़ करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि निटिंग में क्या बनाया जाए कुछ अलग इसके लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका जो है एक कुशन कवर बनाने जा रही हूँ। अब कुशन कवर में ये काफ़ी पतली लगी मुझे, आप ये देखेंगे, तो मैंने इसे डबल कर लिया क्योंकि बहुत खूबसूरत सी है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इस तरीके से दो गोले ले रही हूँ, आप ये देखेंगे डबल कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने सर्कुलर निडल ली है। अब सर्कुलर निडल में मैंने 165 स्टिचेस, यानी कि 164 प्लस एक स्टिच जो हमने लॉक करना है, 165 स्टिचेस लिए हैं। अब आप ये देखेंगे इस तरीके से आपने ये देखना है कि सीधी तरफ कहाँ कैसे रहता है गोल वायर में। अब यहाँ पे पहला फंदा तो मुझे लॉक करना है और उसके बाद मैं इसे नॉर्मल बनाती हुई जाऊँगी। अब पहला फंदा लॉक करना है तो क्या करेंगे, आप ये लेंगे और इस वाले फंदे को जो हमने लास्ट फंदा करा था इसके ऊपर से आपने ऐसे निकाल लेना है ये, और इसको वापस लेना है इस पर और इसे खींचना है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे आपका लॉक हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे लॉक हो जाता है। अब आप यहाँ पे जो है कोई भी स्टिच मार्कर डाल के रखिएगा इसमें, ताकि याद रहे कि यहीं से शुरुआत हुई है। वैसे याद इससे रहता है जो हम ये फंदा डालते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे डालूँगी, देखेंगे आप ये। अब करना क्या है, आपने बहुत सिंपल, बिगनर्स के लिए बता रही हूँ अपने, तो इसलिए बहुत सिंपल सा बता रही हूँ। ये लिया, अब यहाँ से आपने इसकी शुरुआत करनी है ऐसे नॉर्मल सिंपल बनाऊंगी। सिंपल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये मल्टी कलर है, तो इसमें मैं कोई डिज़ाइन नहीं डालूंगी। डिज़ाइन डालने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, और अपने बिगनर्स के लिए बता रही हूँ तो नॉर्मल सिंपल सा बता रही हूँ, तो इसलिए मैं सीधा सीधा इस तरीके से इसे अब बनाती हुई फ़िलहाल जाऊँगी। आप ये देखेंगे ये नॉर्मल इस तरीके से सीधा सीधा बनता हुआ जाएगा ये। ये देखिए अब ऐसे ही हम इसे सिंपल बनाते हुए फिलहाल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, 4.5 mm की जो है सर्कुलर निडल को यूज कर रही हूं, ये देखेंगे आप, और 80 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये देखिए बस आपने जस्ट इसे ऐसे बनाते हुए नॉर्मल सीधा सीधा फिलहाल जाना है। अब ये देखिए मैंने बना लिया है। अब कितना बनाया है मैं आपको अभी नाप के बता रही हूँ कि ये कितना बना हुआ है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने इसे जो है यहाँ तक, ये वैसे आपने अपने अपने कुशन कवर के हिसाब से बनाना है, ये 13 इंच बना हुआ है। अब हमने करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, जितने भी फंदे हैं आधे आपने बंद करने हैं और आधे हम थोड़ा सा बनाएंगे ताकि उसे हम ऊपर से बटन का जो वो होता है पट्टी वो बनाएंगे। अब यहाँ से मेरी स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे ये लगा रखा है मैंने, अब यहाँ से मैं बंद करूँगी, लेकिन बंद हमने थोड़ा आई कॉर्ड की तरह करना है ताकि ये खड़ा रहे। तो कैसे करेंगे देखेंगे आप, अब ये फंदा आपने बनाया, अब देखिए कैसे करेंगे, ये बनाया आपने दो ऐसे, फिर वापस लिया एक और एक दो, अब फिर से ये बनाया, ध्यान से देखिएगा, और इसे और इसको, इन दोनों को आपने ऐसे दो का एक करना है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बता रखा है मैंने आई कॉर्ड बाइंडिंग किस तरीके से करते हैं। फिर वापस लिए दोनों, फिर ये बनाया, एंड अगेन ये और ये,
इन दोनों को आपने जो है दो का एक कर देना है। फिर वापस लिया, फिर ये बनाया, अब इन दोनों को आपने दो का एक करना है ऐसे, देखिए, यानी कि दो फंदों को इकट्ठा हम दो का एक कर रहे हैं। फिर वापस लूँगी ऐसे, एंड अगेन ये बनाया, अब ये और ये देखेंगे दो फंदे दो का एक। अब ये ही आपने आधे फंदे तक ऐसे ही करते हुए जाना है, और आधे फंदों के बाद हमने कैसे करना है इसका एक बॉर्डर बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखेंगे इस तरीके से आपने ऐसे लेना है, फिर पहले ये बनाना है, फिर इसको और इसको इकट्ठा दो का एक करना है। ये देखिए अब ये इस तरीके से बंद होता हुआ आपका फिलहाल जाएगा। अब ये देखिए मैंने 84 यानी कि थोड़ी से ज़्यादा ही स्टिच बंद किए हैं, मेरे पास 164 थे तो मैंने 84 स्टिचेस बंद कर लिए और 80 स्टिचेस यहाँ रहने दिए हैं। अब इन 80 स्टिचेस को मैं, देखेंगे आप, एक सीधा एक उल्टे का जो है थोड़ा सा बॉर्डर बनाना चाहूँगी, तो अब आप नॉर्मल सिलाई ले सकते हैं, तो ये आपका इस तरीके से आएगा, ये सीधा उल्टा, फिर आपका ये आया उल्टा ऐसे सीधा। अब ये आपने थोड़ा सा बॉर्डर बनाना है ताकि यहाँ पे हम जो है बटन होल भी डालेंगे और नीचे बटन्स लग जाएंगे, तो ये आपका थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा तो इसलिए हम इसे बना रहे हैं। ये देखेंगे आप इस तरीके से, अब आपने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर इसमें बनाते हुए जाना है। अब आप ये देखिए तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें क्रॉशेट वर्क कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने इसमें बटन होल्स डाले। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप बटन लगा लें या वेलक्रो लगा लीजिएगा या टिच बटन लगा लीजिएगा, इस तरीके से बटन्स आते हैं आपके मार्केट में मिल जाएंगे। अब हमने जस्ट इसे एक लाइन में ऐसे करके थोड़ा सा इसे स्ट्रेट, क्योंकि ये कॉटन थ्रेड है तो ये स्ट्रेट नहीं रहती है, तो उसे स्ट्रेट करने के लिए जो है मैं इसमें एक इस तरीके से क्रॉशेट का लाइन करूँगी। देखेंगे ये डाला आपने ऐसे, इन दोनों में से निकाला, अगेन दूसरे में डाला ऐसे, इन दोनों में से निकाला, फिर दूसरे में डाला ऐसे, दो में से निकाला, फिर नेक्स्ट में डाला, दो में से निकाला। अब ऐसे ही मैं पूरा वहाँ तक जहाँ तक ये यहाँ पे बना हुआ है यहाँ तक इस तरीके से करते हुए जाऊँगी, और उसके बाद इसमें बटन्स लगाऊँगी, और फिर जो नीचे का हिस्सा है वो आपने जस्ट सिलना है, तो आपका जो ये कुशन कवर है वो तैयार हो जाएगा। देखेंगे आप ये देखिए, ये इसमें थोड़ी सी लाइन इस तरीके से स्ट्रेट आएगी तो अच्छी लगेगी। यहाँ डालना है आपने ऐसे, ये किया, फिर ये डाला ऐसे, ये किया, ये देखेंगे, ये देखें। अब ये आपने इसी तरीके से करते हुए इसमें जो है जाना है फिलहाल वहाँ तक। तो चलिए फिर मैं इसे सिल भी दूंगी और फिनिशिंग वर्क भी कर दूंगी, फिर आपको उसके बाद दिखाती हूँ इसका लुक किस तरीके से जो है आएगा। अब देखिए आपको एक और चीज़ बता दूंगी, इससे आप जो है इस तरीके का भी क्रॉशेट से, मैंने आप ये देखेंगे क्रॉशेट से बनाया हुआ है, क्रॉशेट का जो है कुशन कवर भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप दो बना लीजिएगा और उसके बाद उन्हें आपस में जोड़ लीजिएगा, और ऊपर आपने जो है इसके या तो आप जिप लगाइएगा या वेलक्रो लगाइएगा, इस तरीके से लगा के आप इसका इस तरीके से क्रॉशेट का भी कुशन कवर आप इसमें इस वाले वूल थ्रेड में बना सकते हैं। अब ये देखिएगा ये मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब जस्ट आपने नीचे का हिस्सा सिलना है और इसमें बटन लगाने हैं, तो क्रॉशेट करने से क्या हो गया, आप ये देखेंगे ये थोड़ा सा खड़ा रह जाता है, क्योंकि कॉटन थ्रेड है तो थोड़ी सी ढीली रहती है, इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। अब आपने जस्ट इसका जो नीचे का हिस्सा है ये आपने सिलना है, ये मैंने लगाया था स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम यहीं से ऐसे करके सिलेंगे। अब सिलेंगे किस तरीके से आप देखेंगे। अब ये देखिएगा आप इस नीचे का हिस्सा, वैसे तो आप सुई से भी सिल सकते हैं, पर मैं क्रॉशेट से कर रही हूँ तो आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से करेंगे। ये डालेंगे ऐसे, ये आपने क्रॉशेट लिया, ये निकाला, इससे ऊपर कर दिया, आप देखिए कैसे करेंगे। पहले तो एक इसको ऐसे करके आपने बंद कर दिया, अब फिर नेक्स्ट में डालेंगे इस तरीके से, ये ऐसे, फिर यहाँ डाला, ऐसे निकाला दोनों में से, और इन दोनों में से आपने ऐसे निकाल लिया, फिर नेक्स्ट में डाला ऐसे, सिर्फ ऊपर ऊपर के जो हिस्से हैं उन्हीं में डालिएगा इस तरीके से, और फिर ऐसे, ये देखिए ये डाला ऐसे निकाला, और फिर आपने दोनों में से निकाल लिया, ये डाला ऐसे निकाला, दोनों में से निकाले, तो देखिए ऐसे बंद होगा ये आपका, तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा। वैसे चाहे आप तो सुई से भी बंद कर सकते हैं, ये देखिएगा
ये हो गया। अब ये पूरा आपने बंद इसी तरीके से करते हुए इसमें जाना है, ये ऐसे ये निकाला। तो आप ये देखिए इस तरीके से ये कुशन कवर जो है तैयार हो गया है। ये देखेंगे इसमें इस तरीके से लगे हुए, ये आप चाहे तो यहाँ पे वेलक्रो और टिच बटन भी आप इसमें लगा सकते हैं। अब ये जो कॉटन का थ्रेड है देखिए कितना आसानी से और अच्छे तरीके से बन गया। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें क्रोशेट वर्क भी साइड्स पे कर सकती हैं कवर्स, और आप चाहे तो क्रोशेट करके भी बना सकते हैं। ये देखिए मल्टी कलर का बनता है, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।